आपका मन ही आपकी परेशानी का सबब है। सूर्य की किरणें अभी धरती पर ठीक से पहुंची नहीं कि लोग पैसा कमाने, आरामदायक घर, उच्च पद और अन्य सभी गतिविधियों के लिए भागने लगते हैं। अगर आपको वांछित चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आपको दुख होता है, लेकिन अगर आपको वांछित चीज़ें मिल भी जाती हैं तब भी आप दुख भोगते हैं, क्योंकि आप उसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। कहने का मतलब है कि आपका मन ही आपकी परेशानी का सबब है। लोगों को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि संतोष प्राकृतिक संपदा है और विलासिता कृत्रिम गरीबी है। हर तरफ विलासिता के पीछे भागने वाले लोग स्वयं के बारे में नहीं जान पाते। वे अपनी आत्मा के सुधार के बारे में न सोचते हैं और ना ही परवाह करते हैं। पुण्य धन से नहीं मिलता, बल्कि पुण्य से ही धन और मनुष्य की हर दूसरी भलाई आती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व या अपनी संपत्ति के बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए, बल्कि और मुख्य रूप से आत्मा के सर्वोत्तम विकास के बारे में चिंता करनी चाहिए। लोग विलासिता को असली जीवन मान लेते हैं, और असली जीवन का महत्व तब समझ में आता है जब मृत्यु उनके सामने खड़ी होती है। लोग मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि वे डरते हैं, जबकि मृत्यु एक रहस्यमय और अनिवार्य घटना है जो जीवन का अभिन्न अंग है। जब हम मृत्यु को समझते हैं तभी हम जीवन की पूरी गहराई को पहचान सकते हैं। मृत्यु और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे सांस लेना और छोड़ना। मृत्यु को बहुत अच्छा मानने की दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली, मृत्यु एक प्रकार की शून्यता और पूर्ण रूप से बेहोशी की स्थिति है। दूसरी है, आत्मा का इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में परिवर्तन और प्रवास है। आप इसे इस तरह से सोचें कि आप रात को सो रहे हैं, उस वक्त किसी भी प्रकार की चेतना नहीं है और ना ही आपको रात का कोई स्वप्न विचलित कर रहा है, तो मृत्यु अकथनीय रूप से लाभप्रद होगी। अगर कोई व्यक्ति उस रात का चयन करे जिसमें उसकी नींद सपनों से विचलित नहीं हुई और उसके साथ अपने जीवन के अन्य दिनों और रातों की तुलना करें और फिर हमें बताएं कि उसने अपने जीवन के दौरान कितने दिनों रात इस दिन से बेहतर और अधिक सुखद ढंग से बिताए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति, बल्कि महान राजा भी दूसरों की तुलना में ऐसे कई दिन या रात नहीं पाएंगे। अब अगर मृत्यु ऐसी प्रकृति की है तो मृत्यु एक तरह से लाभ ही है। अगर मृत्यु किसी दूसरी जगह की यात्रा है जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यह वर्तमान दुनिया के न्यायाधीशों से आज़ाद हो जाते हैं, और जब वे दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वहाँ केवल एक ही न्यायाधीश ईश्वर होता है। हम सत्य के करीब तभी पहुँचते हैं जब हम जीवन से विदा लेते हैं। जिसने मृत्यु को समझा है उसे मृत्यु भयानक नहीं लगती। मौत से डरे नहीं, उन लोगों की तरह मत बनो जिनके दिल मौत के डर से भरे हुए हैं। वे रोते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें थोड़ा और जीवन मिले। जब मरने का समय आए तो अपनी मृत्यु का गीत गाओ और ऐसा मानो जैसे किसी शहर में रहते हुए कई वर्ष बीत गए और अब तुम नायक की तरह अपने घर जा रहे हो। धन्यवाद।